वीमेंस प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला 26 मार्च को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया। टॉस हारकर मुंबई इंडियंस को पहले गेंदबाजी करने का न्योता मिला। हरमनप्रीत कौर की टीम ने न्योता स्वीकार करते हुए अच्छी गेंदबाजी की। मुंबई इंडियंस की ओर से पावर प्ले में ही वांग ने 2 विकेट चटका लिए और दिल्ली कैपिटल के धमाकेदार खिलाड़ी शेफाली वर्मा को 4 गेंदों में ही चलता किया। वहीं टीम को संभालते हुए कप्तान मैगदली ने 29 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 35 रनों की अहम पारी खेली। उसके बाद सारे विकेट गिरते गए। दिल्ली कैपिटल की टीम से किसी भी बल्लेबाज ने 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। मुंबई की ओर से गेंदबाजी करते हुए वांग ने 3, हैली मैथ्यूज ने 3 और एमली केयर ने 2 विकेट चटकाए। पहली पारी के खत्म होने तक दिल्ली कैपिटल ने मुंबई इंडियंस के सामने 131 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। रनों का पीछा करने उतरे मुंबई इंडियंस की टीम की शुरुआत काफी अच्छी नहीं रही। पावर प्ले के अंदर ही मुंबई इंडियंस ने भी अपने 3 विकेट खो दिए थे, मगर इसके बाद जो बल्लेबाजी हुई वो देखने लायक रहा। मुंबई इंडियंस की पारी को संभालते हुए स्टीव ब्रंट ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंदों में 60 रनों की नाबाद पारी खेली। हरमनप्रीत कौर ने भी स्टीव ब्रंट का साथ देते हुए 39 गेंदें खेलकर 37 रनों की कप्तानी पारी खेली और 3 गेंदें शेष रहते ही मुंबई इंडियंस ने WPL का पहला खिताब अपने नाम कर लिया।